खरगोन जिले के सेगांव में आज एक ऐसी मिसाल पेश की है जो उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो देश को बांटने का पाठ पढ़ा रहे हैं और समाज में सांप्रदायिकता का जहर घोल रहे हैं। दरअसल मामला प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां लालबाई फुलबाई माताजी मंदिर सेगांव का, जहां भंडारे में हिंदू मुस्लिम भाइयों ने एक साथ बैठकर प्रसादी ग्रहण की। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी आज विजयादशमी के पावन पर्व पर नगर वासियों के सहयोग से विशाल भंडारे का आयोजन आचार्य ओम प्रकाश शर्मा के सानिध्य में आयोजित 9 दिवसीय शत चंडी यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद कन्या भोज के साथ शुरू हुआ। भंडारे की प्रमुख विशेषता यह रही कि आज नगर सहित आसपास के गांवों में चूल्हा नहीं जलता है, सभी परिवार सहित व खासकर हिंदू व मुस्लिम भाई एक साथ बैठकर प्रसादी लेते हैं। इस अवसर पर मां लालबाई फुलबाई माता जी के दरबार में 56 भोग भी लगाया गया, जिसमें नगर सहित आसपास के 100 गांवों से अधिक गांवों के 25,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना के बाद प्रसादी ग्रहण की। विशाल भंडारा दोपहर 11 बजे से शाम तक चलता रहा। भंडारा पूरे नगर वासियों के अथक प्रयासों से सफल हुआ। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। आज भंडारे में प्रसादी ग्रहण करने आए क्या? जी हाँ, आज माता जी के यहाँ भंडारा है और प्रतिवर्ष मुस्लिम भाई तमाम सहयोग भी करते हैं, चंदा भी देते हैं और तमाम मुस्लिम भाई यहाँ पर प्रसादी ग्रहण भी करते हैं। कौन सी माता का भंडारा है ये? लालबाई फूलबाई माता का भंडारा है। कितने वर्षों से आ रहे हैं आप भंडारे में प्रसादी ग्रहण? करीब यहाँ पे सर्विस में था, करीब 30-31 साल के लगभग हो चुके हैं मेरे को इस सेगांव में, और मैं हर साल सपरिवार सहित तमाम मुसलमान भाइयों के साथ यहाँ पर प्रसादी ग्रहण करने के लिए आता हूँ। क्या नाम लिखते हैं? मैं लिखता हूँ सैयद हाजी सैयद निजाम अली। यहाँ पर किस लिए आए हैं? यहाँ पर भंडारा होता है माता जी के यहाँ, देवी श्री लालबाई फुलबाई माता जी के प्रांगण में, और प्रतिवर्ष अनुसार यहाँ पर भंडारा होता है। करीबन 30,000 श्रद्धालु यहाँ पर भोजन प्रसादी ग्रहण करने। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।